मीट भात को भी तिरस्कार करने के लिए तैयार है, नमक रोटी खाएंगे, मोदी के साथ जाएंगे। अरे चलिए ललन बाबू क्या कर रहे हैं, अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। वो मीट भात मटन बिरयानी पुलाव करते रहे, मुसलमान को खुश करते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान को खुश कर रहे? अरे बिरयानी मीट पुलाव चलता रहेगा, आने वाले समय में और टुकड़ा टुकड़ा होगा। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरआई से विधायक बीजेपी विधायक राम सूरत राय हैं। क्या कुछ कहेंगे, फिल्म तो देख ली आप लोगों ने। मीट भात पर बिहार में सियासत गर्म है। कुछ लोग मांस भात खाते हैं, कुछ लोग मीट भात खाते हैं। अब जनता कट रही है, जनता नमक रोटी खा करके सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के बाद जब लगता है कि सरकार हमारा काम के लायक नहीं है, तो उनके मीट भात को भी तिरस्कार करने के लिए तैयार है, नमक रोटी खाएंगे, मोदी के साथ जाएंगे। ललन सिंह ने तो नोटिस भिजवा दिया है जेडीयू नेताओं ने। अरे चलिए ललन बाबू क्या कर रहे हैं, अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। क्या लगता है 2024 में? 2024 क्लीन स्वीप है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 में भी बिहार में भाजपा की सरकार। ललन सिंह जिस तरीके से मीट भात का भोज कर रहे हैं, क्या लगता है? वो मीट भात मटन बिरयानी पुलाव करते रहे, मुसलमान को खुश करते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान को खुश कर रहे? अरे बिरयानी मीट पुलाव चलता रहेगा, चलता किसको है? जी जीत जीत तो पक्की है और आगे भी पक्की है। गठबंधन जिस तरीके से? महागठबंधन में कोई गठबंधन नहीं है, आप निश्चिंत रहें। आपको बहुत जल्द 6 महीने के अंदर ये महागठबंधन का क्या स्थिति होगा, ये आपस में सब सातों भाई मिल करके आपको बता देंगे। क्या लगता है? एक साथ ना रह, कभी हमेशा टूट होना है, और हमेशा ये लोग धर्म के खिलाफ लड़े हैं, जनता इनको जवाब देगी। सरकार रही कि नहीं रही? सरकार की बात मैं नहीं करता, आगे बनने वाली सरकार की बात मैं करता हूँ। सरकार भले ही चला ले, सरकार गिर जाए बन जाए रह जाए, उससे मतलब नहीं है। ये निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इनका महागठबंधन में दरार हो चुका है, आने वाले समय में और टुकड़ा टुकड़ा होगा। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी है, देखिए नीतीश कुमार जी अब उनके पास उम्र समाप्त हो चुका है, लाइव ओवर है राजनीति का। अब चाहते हैं कि कोई हमको नेता मान ले देश के अंदर, पर दिल्ली में जाके हम शांति से बैठ जाएं, उनको महागठबंधन का संयोजक बना दे, ये चाह रहे हैं बेचारे। लेकिन राहुल गांधी जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो KCR हो, पटनायक से ही मिलने गए थे, लेकिन कोई इनको तवज्जो नहीं देने वाला, कोई नहीं। इनसे सब अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार? पीएम को उम्मीदवार तो एक रिक्शा चलाने वाले भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए देश के अंदर काम करना पड़ता है, जनता को दिल रुझाना पड़ता है। देश के अंदर क्या, बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो सब जान रहा है। आपने सुना कि बीजेपी के पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को इन्होंने कहा। इन्होंने साफ साफ कहा ललन सिंह के मीट भाड़े मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब।